हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आप मेरे दोनों चैनल्स पे उन्हें देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। मान को इचैंग की शादी के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी थी, इसीलिए जीतोंग को मिलने के लिए बुलाती है। जीतोंग भी आ जाती है क्योंकि आखिर इसे तो यिमिंग ने कहा था कि इसे अपनी फ्रेंड के साथ अच्छे से रहना है। फिर भी इसे फ़ोन करती है कि मेरे भाई की अब शादी हो चुकी है तो उससे दूर रहो। मान इसके सामने अपने पुराने दिनों की काफ़ी सारी बातों को याद कर आती है एंड देन पूछते हैं कि वो ली तो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, फिर आंटी शादी के लिए कैसे मान गई। जीतोंग बोल देती है कि मेरी मम्मी को बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस ली पसंद आ गई थी। मान कहती है कि फिर यिचैंग कैसे मान गया, तो ये बता देती है कि वो कैसे नहीं मानेगा जब पापा ने उसे कंपनी से निकालने की धमकी दे दी थी। एंड यहाँ पर फिर से इसे इतनी बड़ी बात बता देती है जो कि इसे नहीं बतानी चाहिए थी। एंड मान जो अब्रॉड जाने वाली थी वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करा देती है। ली अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत से काम कर रही थी कि ये तो सोना भी भूल गई थी। यिचैंग भी ये नोटिस करता है कि ये हद से ज़्यादा मेहनत कर रही है एंड अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही। ये टीवी की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कर देता है एंड जब ली इसे बंद कराने के लिए आती है तो इसके साथ एक गेम खेलता है जिसमें कि यिचैंग जीत जाता है। तो ली को पनिशमेंट मिलनी थी लेकिन यिचैंग से काफ़ी हल्की पनिशमेंट देता है। ये इसे बताता है कि इसने गेम सिर्फ इसे थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए खेला था। इससे ली को अपने गेम के लिए और अच्छे से आइडिया मिलता है कि जिन लोगों के साथ हम टास्क गेम के अंदर करते हैं क्यों ना रियल में भी हम सभी लोगों के साथ करें। इससे सभी थोड़ा फ़ोन से थोड़ा दूर हटेंगे एंड फ्रेंड्स बनाएंगे। यिचैंग इससे पूछता है कि ऐसा कैसे होगा लेकिन ये इसे नहीं बताती एंड नेक्स्ट डे अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके ही इसे देती है। यिचैंग इसे अब सोने के लिए कहता है क्योंकि इसने पूरी रात जाकर ये काम किया था एंड जब ये नहीं मानती तो इसे अपने आप ही बेड तक पहुँचा देता है। इन्वेस्टर को ली का गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। साथ में से ये भी बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पे मान के कहने पे ही आया था। उसने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि ये इन्वेस्टमेंट यिचैंग की कंपनी को ही मिलनी चाहिए। ये इससे ही मान का एड्रेस पूछता है। ली यहाँ पे अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आई थी लेकिन अगर यहाँ पे था ही नहीं। ये मान के फ्लैट पे जाता है जहाँ पे उसके पापा उसे बुली कर रहे थे लेकिन यिचैंग को देख के बोलते हैं कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ मैंने उसमें कुछ नहीं किया। मान इन्हें यहाँ से भेज देती है। यिचैंग को लग रहा था कि पता नहीं ये कौन था तो मान इसे बताती है कि इसके पापा थे जो कि इसे जब ये छोटी थी तभी से ये बुली करते एंड अब्यूज़ करते आ रहे हैं। यिचैंग से कहता है कि तुम चाहती क्या हो, मेरे लिए अब इतना कुछ क्यों कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं तुम्हें पे करना चाहती हूँ जो कुछ भी 3 साल पहले मुझसे गलती हुई। लेकिन यिचैंग से बोल देता है कि मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जीतोंग की मॉम ने इसे यिचैंग अली पे नज़र रखने को बोला था लेकिन ये बोल देती है कि उनके अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी में भी कुछ काम है एंड बातों में हमेशा की तरह इसके मुँह से निकल जाता है कि मान वापस आ गई है। ये इस बात को चेंज करना चाहती थी लेकिन इसकी मॉम कहती हैं कि अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे सारे खर्चे बंद कर दूंगी। यिचैंग के समझ में नहीं आ रहा था कि मान के पापा ने 3 साल पहले वाली बात क्यों बोली। यिचैंग को काफ़ी सारे मैसेज करती है कि तुम कब आओगे वगैरह वगैरह लेकिन यिचैंग ने इसे ब्लॉक कर रखा था। यिचैंग की माँ उससे मिलने के लिए आती है, उसे कहती है कि तुम वो मान क्यों वापस आ गई है, तो उस पर ध्यान मत देना, ली का ध्यान रखना। यिचैंग ने गुस्से में बोल देता है कि अब आप चाहती क्या है, आपने मुझे ड्रिंक करा के पता नहीं क्या क्या करवा के कंपनी की धमकी दे के मेरी शादी करवा दी, अब आप चाहती क्या है। ये सब ली भी सुन लेती है। अभी तो ये बोलती है कि यिचैंग सही तो बोल रहे हैं लेकिन अंदर आके इसे सुनाती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए फोर्सली मुझसे शादी करनी पड़ रही है। ये इसे सॉरी बोलती है। यिचैंग से कहता है कि इसमें तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, अगर तुम नहीं मिलती तो मेरी मॉम मेरी किसी और से शादी करवाती। सब बोल के लिए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यिचैंग उन मैसेज को देखता है ऐसे अनब्लॉक करके जो किसने अभी सेंड किए थे, इसे ली के लिए काफ़ी बुरा लगता है। जीतोंग की मॉम से आके यिचैंग एंड ली के बारे में एक टास्क बताती हैं। पहले तो ये मना कर देती है लेकिन जब ये इसे बहुत सारे पैसों का लालच देती है तो ये भी मान जाती है एंड इस टास्क को पूरा करने के लिए यिमिंग को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। नेक्स्ट डे यिचैंग देखता है कि ली अब घर पर नहीं है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के घर पर आ गई थी, जिससे कि ये सारी बात बताते हुए कहती है कि मुझे लगा था मेरे साथ रह के शायद उनके अंदर इतनी सी फीलिंग आ जाए लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि वो किसी और को लाइक करते हैं और मेरी शायद खुश नहीं है तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन शाओ किसे समझाती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है जिसकी जिम्मेदार ली तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी इसे जीतोंग शॉपिंग के लिए बुला लेती है एंड दूसरी तरफ यिचैंग को यिमिंग बुला लेता है एंड 3 घंटे का रास्ता पार करके ये इन्हें लवर पॉइंट पर लेके आ जाते हैं। इस गेम का ऐसा मानना था कि जो अपनी आंखें बंद करके एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक पहुंच जाएगा उसे उसके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जीतोंग ली को भी गेम खेलने के लिए कहती है। यिमिंग यिचैंग को छोड़ के पता नहीं कहां पे चला गया था इसलिए ढूंढता हुआ ये भी यहां पे आ जाता है। जब ये देखता है कि ली किसी पत्थर से टकराने वाली है तो उसे बचाने के लिए यहाँ पे आ जाता है।
ये दोनों मिन दोनों को एक साथ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यिमिन को ऐसे हंसता देख जीतोंग कहती है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तुम उसके लिए फीलिंग्स नहीं रख सकते। लेकिन यिमिन इसे बताता है कि मेरे वो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्या मैं उनके लिए खुशी भी जाहिर नहीं कर सकता। अब ये दोनों जब मिल गए थे तो यिमिन कहता है कि अब तो हमारा टास्क पूरा हुआ, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जीतोंग इसे बताती है कि यहीं से तो हमारा डेट शुरू हो रहा है। इन दोनों को पता चलता है कि इन्हें यिमिन एंड जीतोंग ने प्लानिंग से यहाँ पर बुलाया था। ली तो उन दोनों को ढूंढने के लिए भी कहती है, लेकिन यिमिन कहता है कि जीतोंग को पता चलेगा कि तुमने उसका डेट खराब कर दिया तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए हमें उनसे अलग ही रहना चाहिए। अब जहाँ ये दोनों यहाँ के अलग अलग जगहों पे जाके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एंड बेचारे यिमिन के साथ जीतोंग ने अपनी पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर दी थी। एंड यिमिन तो बेचारा यहाँ से हिल भी नहीं सकता था। इस पेंटर ने इनकी बड़ी गंदी पेंटिंग बनाई थी जिसपे जीतोंग को बड़ा गुस्सा आता है, बट फिर भी इस पेंटिंग को रख लेती है। जब यिमिन इससे पूछता है कि ये तो तुम्हें गंदी लगी थी फिर क्यों तुम रख रही हो, तो ये कहती है कि भले ही बेकार हो लेकिन हम दोनों की सिर्फ यही तो पहली पिक है। यिमिन को ये बात थोड़ी अच्छी क्या लग जाती है। जीतोंग बोलने लगती है कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी इसके स्लीपर्स टूट जाते हैं, इसलिए यिमिन इसे अपने साथ लेके जाता है नए शूज़ खरीदवाने के लिए। इन दोनों के लिए जो जीतोंग ने रूम बुक कर रखा था ये वहाँ पर जाते हैं, जो कि जीतोंग ने कुछ अलग ही तरीके से सजा रखा था। तभी जीतोंग यहाँ पे आ जाती है। यिमिन ये चैंग कहता है कि ये सब क्या है, तुम अपने मैटर्स पे क्यों नहीं ध्यान देती। लेकिन जीतोंग इसे बताती है कि ये सिर्फ मुझे मॉम के कहने पे करना पड़ रहा है। एंड साथ में से ये भी बताती है कि कल ली का बर्थडे है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए इन दोनों को यहाँ पे लेके आई है। खैर सिर्फ एक बार जीतोंग ने इसे ये काम की बताई थी, इसलिए यी चैंग ली से कुछ बहाना मार कर उसके लिए केक लेने जाता है। लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से उसे कोई भी केक नहीं मिल पाता, दिखते हैं सिर्फ एटम वैलून। देन ली को बाहर बुलाता है एंड उसे विश करता है। ली को तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसका बर्थडे मना रहा है। इस पे चैंग कहते हैं कि यहाँ पे कोई और भी है क्या जो मैं किसी और का बर्थडे मनाऊंगा। ये चैंग कहता है कि काफ़ी लेट होने की वजह से मुझे केक नहीं मिला था, लेकिन ली के लिए इसकी लाइफ का सबसे अच्छा प्रेजेंट था। पर बच जाते हैं, केक कट करते हैं। ली विश करती है कि वो ये चैंग के साथ ही हमेशा रहे। ये चैंग कहता है कि मुझे भी अपनी विश बताओ वरना मैं इसे पूरा कैसे करूँगा। ली बताने ही वाली थी लेकिन ये कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जाए दोनों ली का बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जीतोंग शराब के नशे में यिमिन के रूम में पहुंच जाती है एंड उसे भी ड्रिंक करने के लिए कहती है। इसे बोलने लगती है कि तुम उससे प्यार क्यों नहीं करते। यिमिन कहता है कि मैं तुम्हें जब से जानता हूँ, जब तुम 15 साल की थी, एंड मैं तभी से तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ। यिमिन से बार बार बोल रहा था कि वो अपनी रूम में चली जाए, लेकिन ये तो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है कि यिमिन को ही अपने रूम से निकल के जीतोंग के रूम में जाना पड़ता है। इस रूम के हाल को चेंज करने के लिए यी चैंग ली को नहाने के लिए भेज देता है एंड देन इस रूम का ये हुलिया बदल देता है। एंड यी चैंग सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ली जब देखती है कि जीतोंग ने उसके लिए एक ऐसी ड्रेस रखी हुई है यहाँ पे चेंज करने के लिए, तो इस बेचारी को अपनी पहले वाली ड्रेस ही पहन के आनी पड़ती है। यिमिन के अभी तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसने पहले वाली ड्रेस ही क्यों पहनी, लेकिन जब ये खुद नहाने जाता है वहाँ पे देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या कि क्या करना चाहिए। ऊपर से टीवी में भी ऐसे ऑकवर्ड सीन्स आ रहे थे कि यी चैंग को तो इसके सामने ही बैठना पड़ जाता है एंड ली टीवी बंद कर देती है। यी चैंग के समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक बेड पे कैसे सोएंगे। लेकिन ली कहती है कि जब मैं लड़का बनी थी तो तब भी तो ऐसा हुआ था, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यी चैंग इससे कहता है कि जैसे आज सबसे पहले मैंने तुम्हें विश किया तो हमेशा कौन हो रहा था, ये मत बोलना कि अब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। देन ली इसे बताती है कि हर बार इसकी फ्रेंड शौकी होती थी क्योंकि इसका कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एंड रात को अलग अलग सोते हुए सुबह को एक कुछ ही साल में उठते हैं। रात को यिमिन के साथ जो कुछ भी गुजरी थी इसलिए वो सुबह यहाँ से बिल्कुल चलने की तैयारी में था, लेकिन जीतोंग उसे बताती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, आज तो ली का बर्थडे है, हमें सेलिब्रेट करना है। इसे ली को विश करके कहता है कि आज हम तुम्हारा केक यहीं पे काटेंगे, बट यी चैंग इसे कहता है कि मैंने तो रात ही केक कट लिया था इसलिए तुम्हें यहाँ रह के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बट जीतोंग कहती है कि अच्छा, हम दोनों ने तुम्हें मिलवाने के लिए इतना सब कुछ किया है, अब तुम हमें अलग करवा रहे हो। अभी चारों दो साइकिल पर राइडिंग के लिए जाने वाले थे जीतोंग से पीछे छुड़ाने के लिए। यिमिन यी चैंग से कहता है कि क्या तुम ली को मेरे साथ नहीं भेज सकते, बट ये ली को इसके साथ कहाँ भेज सकता था। पहले तो ली आगे बैठी थी एंड यी चैंग इसके पीछे, लेकिन यी चैंग इसे कहता है कि तुम तो काफ़ी स्लो चला रही हो, मैं चलाता हूँ तेज़। एंड दूसरी तरफ बेचारा यिमिन जीतोंग से कहता है कि इतना चिपको मत वरना मैं साइकिल से उतर जाऊँगा, बट जीतोंग कहती है कि ठीक है चलो उतर जाओ, मैं भी अपने भाई को सारी बात बताऊँगी जो कुछ भी रात को हुआ था। देन बेचारे यिमिन को अपनी इज्जत के लिए ये सब करना ही पड़ता है। ये सभी एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे इन्हें खुद ज्वेलरी बनानी थी। जीतोंग यिमिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ज्वेलरी बनाए एंड खुद उसके लिए बनाती है। ली यी चैंग के लिए 2 की रिंग्स बनाती है, यानी कि एक अपने लिए एंड उसके लिए। यी चैंग पहले तो बोल देता है कि मुझे नहीं ये सब पसंद, इसलिए यिमिन जानबूझकर बोलने लगता है कि चलो ये फिर मुझे दे दो,
बर्तन ईशांग बोलने लगता है कि नहीं, मैं अपनी चीज़ें किसी और को नहीं देता। ईशांग ने ली के लिए एक रिंग बनाई थी, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जीतोंग जब इसका मजाक उड़ाने लगती है तो ली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी चैन में डाल लूँगी। ली के पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, जो कि उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे पे वो ईशांग तुम्हारे साथ है भी या नहीं। इनकी टेंशन हटाने के लिए ईशांग इनसे काफ़ी अच्छे से बात करता है, बल्कि ये भी कहता है कि वो उनके साथ डिनर करना चाहता है। ली कहती है कि आजकल तुम मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा कर रहे हो, लेकिन ईशांग बोल देता है कि मैं तो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को शक न हो कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एंड बेचारी ली के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब ईशांग इसके लिए एक रियल वाला केक बनाने जाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई उससे बोले कि उसने ली को उसके बर्थडे का अच्छा सा केक भी नहीं दिया। इस केक में ली इन दोनों की फोटोज बना रही थी, लेकिन ईशांग को कहाँ पसंद था कि कोई और उसकी गंदी सी फोटो बना दे, इसलिए अपने आप अपनी फोटो बनाने लगता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।